रामपुर की तहसील स्वार में बिना हेलमेट वालों को किया जागरूक। स्वार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज स्वार उपजिलाधिकारी यमुना धन चौहान व सीओ धर्म सिंह मार्शल को साथ लेकर हेलमेट वितरण किए, जिसमें कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्वार उपजिलाधिकारी महोदय क्षेत्र अधिकारी महोदय से बिना हेलमेट वालों को अपने हाथों से हेलमेट सर पर लगवाए और उपजिलाधिकारी महोदय ने यह संदेश भी दिया जनता के लिए कि जान है तो जहान है, आप बिना हेलमेट के ना चले, अपनी सुरक्षा अपने आप उठाए और सभी को मास्क भी बांटे और कोरोना जागरूक के प्रकोप को देखते हुए जनता को जागरूक भी किया। आप जानते हैं कि वर्तमान में यातायात माह चल रहा है, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए वो हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ मास्क, जो कोविड के तहत मास्क का वितरण है, इन दोनों चीज़ों को क्लब करते हुए एक जागरूकता फैलाया जा रहा है कि कोई भी मोटर वाहन चालक यात्रा करते समय हेलमेट भी पहने और साथ ही साथ मास्क का भी पालन करे, जिससे उसकी सुरक्षा हो। सर, जो लोग बिना हेलमेट के बाइकों पर तेज देना चाहते हैं, जैसा कि सीओ साहब ने भी बताया है, एक ड्राइव चलाया जा रहा है, इसमें अभी आज तो एक प्रकार से इन्हें सेंसिटाइज किया जा रहा है, लेकिन आगामी समय में आगे से अगर बिना हेलमेट के और बिना मास्क पे दोनों पे चलने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना एवं जो भी वैधानिक कार्रवाई होती की जाएगी। ये माह नवंबर में यातायात माह के रूप में चल रहा है और सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनता को जागरूक करने के लिए आज व्यापार मंडल स्वार की तरफ से ये हेलमेट और मास्क का वितरण किया गया है। हम इसके माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है और मास्क कितना ज़रूरी है, ताकि ये इसका पालन करें। यदि कल से ये हेलमेट और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। पहले इनको जागरूक किया जा रहा है, लगातार एक तरह से जागरूक करते आ रहे हैं, यदि इसका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितने हेलमेट वितरण किए हैं आज? 30 हेलमेट वितरण किए गए, आगे भी इस कार्यक्रम जारी रहेगा। सर, किन लोगों को हेलमेट बांटे हैं? ये उन लोगों को बांटा गया अधिकतर जो अपने फैमिली के साथ लिए जा रहे हैं, उनकी पत्नी के द्वारा ही उन्हें पहना दिया गया, या कोई अपनी बहन के साथ जा रहा है उसकी बहन के द्वारा या उसकी माँ के द्वारा उसको पहना दिया जाए, ताकि उसको संदेश हो कि भविष्य में मुझे हेलमेट हमेशा पहनना है और कहीं याद रहे, उनके बच्चों के द्वारा पहनाया गया। हमने मुंशीगंज चौराहे पर आज 30 हेलमेट वितरण करे हैं, माननीय SDM साहब के द्वारा, माननीय CO साहब के द्वारा और माननीय कोतवाल साहब के द्वारा, और हमारे जितने भी पदाधिकारीगण थे वो सब थे, जिसमें हमारे थे मौजूद हाजी जाहिद साहब, लय गोल्डन साहब, राकेश चंद्रा और हमारे उपाध्यक्ष नफीस कादी साहब, हमारे मीडिया प्रभारी मोहम्मद आसिफ और हमारे कोषाध्यक्ष अजेंद्र राठौर, शंकर लाल राठौर, मन्नू मेंबर मिंटू सिंह, हमारे सब पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हमने हेलमेट वितरण करे यातायात नियम के तहत। आपने हेलमेट वितरण किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं जनता को कि भाई, इससे हेलमेट लगाने से आपकी अपनी सुरक्षा है, आपके अगर हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप कम से कम आपका सिर बचेगा, तो उम्मीद है कि आप घर वालों को सुरक्षित तो मिलेंगे। और जब सर में चोट लग जाती है तो ज़्यादातर तो 90% लोगों की मौत ही हो जाती है, तो इससे अपने आप को भी बचाओ, घर वालों को भी परेशानियों से बचाओ, आपकी बीवी बेवा हो जाती है, आपके माँ बाप बच्चों से महरूम हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपने भाई बहन सबका ध्यान रखो और यातायात नियमों का सहयोग करो। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं इसमें सब ने सहयोग करा और बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम रहा।